सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन 350 को लेकर समाजवादी गढ़ में हुंकार भरी। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई तो विपक्ष को भी निशाने पर लिया। समाजवादी गढ़ में सीएम की दहाड़। समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। विपक्ष परिवार निशाने पर परिवार। पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। सीएम के शंखनाद से सधेंगे समीकरण। ये बदला हुआ प्रदेश आज इसीलिए विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ा है। 22 के महासमर के लिए सीएम योगी मिशन पश्चिम पर हैं, जहां वो बीजेपी के मिशन 350 को फतेह करने के प्लान में जुटे हैं। ऐसे में सीएम की नजर उन सीटों पर है जो विपक्ष का गढ़ रही हैं। सीएम बदायूं शाहजहांपुर में रहे, हालांकि इन दोनों जिलों की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन मिशन 350 के लिए एक एक सीट जरूरी है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट भी है। शाहजहांपुर की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन जलालाबाद पर जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। यहां 2017 में एसपी के शरद वीर सिंह चुनाव जीते थे, बीजेपी के मनोज कश्यप तीसरे स्थान पर रहे थे। 2007 और 2012 के चुनाव में यहां बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब बीजेपी के सामने जलालाबाद को जीतने की बड़ी चुनौती होगी। सीएम योगी के साथ इस सीट पर जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना के कंधों पर जीत दिलाने का दारोमदार होगा। ऐसे में ये तिकड़ी जो भी कमाल कर पाएगी वो बीजेपी के लिए बड़ा मौका होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।